हसीन बेहद खूबसूरत। नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ सवीना। प्रोग्राम शख्सियत में आप सबका स्वागत करती हूं। आज की जो शख्सियतें हैं उन्हें आपने सुना, अगर उनके लिए मैं ये कहूं कि तराशा है ज़िंदगी को फिक्र जस्तजू से, ज़िंदगी जीने की जुगलबंदी जो मुझ में है। गायकी की दुनिया के उभरते नाम हैं, बनारस घराने से है जिनका गहरा नाता, मिश्रा बंधु की आँखों के तारे हैं। शख्सियत में आज के सफ़र में हमारे साथ हैं रितेश मिश्रा और रजनीश मिश्रा। अरे न मानोगे, न मानोगे, न मानोगे, न मानोगे, न मानोगे। बनारस घराना, एक विरासत, एक अंदाज, संगीत को समर्पित पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकार, एक ऐसा घराना जो सदियों से कर रहा है संगीत की सेवा। राजन साजन मिश्रा की अथक मेहनत और शिक्षा ने सींचे दो बेहतरीन कलाकार रितेश मिश्रा और रजनीश मिश्रा, जो नुमाइंदगी कर रहे हैं छठी पीढ़ी की। शुरुआती शिक्षा दादा हनुमान प्रसाद की देखरेख में हुई। बचपन से ही संगीत का माहौल मिला, सो बचपन बीता तानपुरे, सारंगी, तबला और अपने बुजुर्गों की बेमिसाल बंदिशों को सुनते हुए। हाँ ये, अरे फिर से सोना। इसी दरमियान उन्हें जाने अनजाने में संगीत की स्वर साधने की तालीम भी मिलती रही। बहुत कम उम्र में ही स्टेज परफॉर्मेंसेस देना शुरू किए। सरल, सहज और जमीन से जुड़े होने का हुनर उनके और उनके चाहने वालों के बीच एक अद्भुत रिश्ता कायम कर जाता है, जो उन्हें उनकी विरासत से जोड़ जाता है। अपने संगीतमय सफर में रितेश और रजनीश मिश्रा ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। घनघोर घटा छाई, घनघोर घटा छाई, पवन चला दा सर र र र र र र र र, पवन चला दा सर र र र र र र, सावन ऋतु आई मन भय। संकट मोचन संगीत समारोह में अद्भुत प्रस्तुति ने लोगों का मन ही मोह लिया। धन
कुल संपदा, संगम और राइज जैसे एल्बम्स में काम करने का तजुर्बा नई मंजिलों से आशना करा गया। अपने सफर में रितेश और रजनीश को कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आज की तारीख में वो संगीत की खिदमत में बदस्तूर लगे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का प्रोग्राम शख्सियत में। थैंक यू। चलिए आज ये मौका भी निकल आया कि आपने शख्सियत के लिए वक्त निकाल लिया और हम तक आप पहुंचे। We are thankful to it. आप ही दोनों से मैं आप ही की बात से बातचीत की शुरुआत करूंगी। आप लोगों ने कहीं कहा है कि म्यूजिक इज द बेस्ट मीडियम टू रीच गॉड, इट इज द स्टेयरवेज टू मीट द सेलेस्टियल पावर। अमूमन गाने के वक्त उसकी अनुभूति आप लोगों को यकीनन हुई होगी, कौन कौन से ऐसे मौके रहे या आप इस बात को कैसे रखना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जब हम बचपन में अपने गुरुओं को परफॉर्म करते हुए देखते थे और उनकी आंखें बंद देखते थे तो हमें लगता था कि ये आंख बंद करके क्यों गा रहे हैं और ये मतलब अपने आप में क्यों खोए हुए हैं, तो हमें लगता था कि इनको आंख खोल के गाना चाहिए या ऐसा कुछ। लेकिन जब हमने अपनी शुरुआत करी, अपने करियर की शुरुआत करी और सबसे पहला कार्यक्रम हमने संकट मोचन मंदिर में दिया, तो वहाँ पर जब हमने परफॉर्म किया और परफॉर्मेंस के दौरान जब हमने अपनी आँख बंद करी तो हमें रियलाइज़ हुआ कि आँख बंद करते ही जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है म्यूज़िक की तरफ वो ज़्यादा बढ़ जा रहा है और कुछ हद तक हमें ऊपर से ऊपर वाले से कनेक्शन का आभास हुआ और वो हमारे आत्मा को हमें बहुत अच्छा लगा। आप दोनों की शुरुआती दिनों की यादों से मैं और मेरी ऑडियंस ज़रूर जानना चाहेगी, क्योंकि आपको वो ऐसा माहौल मिला जब बुज़ुर्गों की संगत भी रही, उनका सानिध्य भी मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला, तो कुछ उन यादों का जिक्र हमारे साथ कीजिए। हम दोनों का संगीत का सफ़र शुरू हुआ बनारस से और बनारस में हम रहते तो दिल्ली में ही थे लेकिन हर गर्मी की छुट्टियों में बनारस भेज दिए जाते थे हमारे दादाजी पंडित हनुमान प्रसाद मिश्रा जी, पंडित गोपाल मिश्रा जी के पास। तो उनसे हमारी इनिशियल ट्रेनिंग शुरू हुई और उनके साथ सिर्फ संगीत सीखा है इतना ही नहीं, हमने पुराने लोगों का जो हमसे 100-200 साल पीछे के लोग हैं उनकी चर्चाएं सुन के उनका दर्शन किया है। और एक संगीतकार के लिए हम ऐसा समझते हैं कि आज के युग के संगीतकार के लिए अपने संगीत के जो वैल्यूज हैं वो समझना बहुत जरूरी है। और हम लोगों को सबसे पहले एक ना संगीत शुरू कराने से पहले हमें उसके तौर तरीके बताए, डिसिप्लिन बताया और जितने प्यार से उन्होंने हमें सिखाया अपने पास ही सुलाते थे और सुबह सुबह 4 बजे उठ के और हमें उठाते थे कि देखो बेटा भैरव जा रहा है, अच्छा। ललित जा रहा है, जितने भी सुबह के राग का नाम है वो बोलते थे कि ये सब जा रहा है। बिल्कुल ऐसे लगता था कि ये कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो मतलब तो वो वही बोलते थे कि बेटा ये राग का दर्शन जो है और जो देवी देवता सुबह गंगा स्नान को जाएंगे तुम्हारा रियाज सुनेंगे तो तुमको आशीर्वाद देंगे। क्योंकि पहले तो उनके समय में हम लोग शर्तों पे रियाज करते थे कि हमें वो उस वक्त वो कॉर्क की बॉल वगैरह चली थी तो उस टाइम पे ये होता था कि इतने घंटे रियाज करोगे तो बॉल मिलेगा। अच्छा। तो ये जो हमने अपने दिमाग में इस बात को बसा लिया कि अगर हम खाना खाते हैं तो वैसे गाना भी गाना है, जिस दिन गाना नहीं गाया उस दिन खाना खाने के हकदार नहीं है। नहीं होंगे। जैसे शरारतें होती हैं, रूठना मनाना होता है, हम सबकी जिंदगी का ये एक सरमाया और बहुत खूबसूरत यादें भी हैं, तो कुछ यादों का जिक्र करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये रियाज से ही संबंधित है कि मतलब जो ये शर्तों पे हमारे होते थे और उसमें भी मतलब कि एक पर्टिकुलर तान को हमें कई दफ़ा दोहराना है और उंगलियों पे काउंट करते थे। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे भी नहीं थे उस ज़माने में, वो तो बाद में आया, तो हम लोग तानपुरा बजाकर और एक हाथ से बायां ऐसे ठेका दे रहे हैं और एक पैर से हारमोनियम का एक रीड खोलकर
उसको ऐसे ऐसे हाँकते हुए और ताल देते हुए गा रहे हैं, मतलब वो सारा कुछ चल रहा है, एक साथ ही हो रहा है। और ऐसे सिचुएशन में मतलब कि जैसे अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये काउंट कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं तो मैं काउंट कर रहा हूँ, और 800 तान 900 तान ऐसे करके एक एक तरह, जैसे धनी सा धनी सा धनी सा नी दा पा मा गा रे सा धनी सा। अब ये इतनी देर तक करने के बाद गला बैठ गया। फिर हमारी दादी जी जो है वो एक बाउल में गर्म पानी लेकर आती थी कि भाई गरारे कर लो, और उसके बाद फिर जब गरारे हो गए, थोड़ी देर रेस्ट हो गया, फिर दादाजी बोलते थे कि हो गया भैया, फिर शुरू हो जाओ, सानी धानी सारे गले अभी बच गया है। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा माहौल था। डुएट सिंगिंग देखा जाए तो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, एक दूसरे को निभाना, गजब की केमिस्ट्री होना। लेकिन जब आपके पिता को तो हम लोग सब जानते हैं कि वो दोनों साथ गाते रहे, लेकिन आप दोनों ने गाना है, इसका निर्णय कब होता है, कैसे होता है और क्यों जरूरी था? हम दोनों ने गाने का एक साथ, ये हमारे दादाजी और पिताजी लोगों की ही सोच थी। अच्छा। क्योंकि पहले मेरा अपना रुझान था तबले पे, तो पंडित किशन महाराज जी का मैं गंडाबंद शागिर्द भी रहा हूँ, और उस दौरान दादाजी ने देखा कि दोनों उनके बेटे एक साथ गा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ प्रेम है, और अगर हम दोनों अलग अलग प्रोफेशन में हो जाएंगे तो ये जो हमारे परिवार का जॉइंट फैमिली का एक जो प्रथा है ये कहीं ना बिखर जाए। और पहला जब परफॉर्मेंस हमारा था तो उस समय भाई 9 साल के थे और मैं 7 साल का था। अच्छा। सो कहाँ हुआ था वो? ये संकट मोचन में हुआ। अच्छा। बनारस। अच्छा। पहला तो एक सेटिस्फेक्शन का फील आता है, और हम लोग बहुत ही लकी थे कि हमारा जब दिल्ली में पहला प्रोग्राम हुआ तो उस प्रोग्राम में उस्ताद अमजद अली खान साहब सामने आए, हमारे पिताजी चाचा जी और दिल्ली के बहुत ही अच्छे अच्छे वरिष्ठ कलाकार लोग भी थे, और हम लोगों ने राग यमन और राग भूपाली गाया था, और भूपाली में एक सरगम का कॉम्पोजिशन है जिसको हमने डबल करके गाया था, दुगुन में गाया था। अच्छा। और वो अमजद अली खान साहब को इतना अच्छा लगा कि वो करीब आए और उन्होंने कहा कि एक बार और, तो फिर हमने दोबारा गाया, और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद फिर वो स्टेज पर आए, उन्होंने हमारे लिए बहुत ही आशीर्वचन बोले और हमें उन्होंने कुछ इनाम भी दिया। अच्छा। और अपने साथ उन्होंने स्टेज पर हम दोनों को अगल बगल बिठाया, और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, और वो आशीर्वाद ही है, क्योंकि हमारे फील्ड में अपना कर्म तो अपना रियाज तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बुजुर्गों का, बड़े लोगों का आशीर्वाद भी बहुत काउंट होता है। बिल्कुल। एक और बात जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही है वो ये कि आप एक विरासत को साथ लेकर चल रहे हैं, विरासत का एक सफ़र आपके साथ है, लेकिन नए ज़माने की अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं, पसंद हैं, तो इन दोनों में आप दोनों किस तरह से तारतम्य बिठा पाते हैं? बहुत ही ज़्यादा चूजी हैं इस मामले में। अच्छा। कि हम लोग कहीं भी कुछ भी ऐसे ही नहीं कर देते, एट द सेम टाइम हम लोगों को जो भी ऐसे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ कभी मिलने हैं या मिलते रहते हैं तो वो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब शोध करके, रिसर्च करके कि क्या ये हमारे लिए अच्छा है, या हमारे जो एक इतनी बड़ी लेगेसी चली आ रही है उस पे इसको करने से कहीं कोई हानि तो नहीं पहुंचे। आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग बहुत अहम मकाम रखते हैं, मैंने उनकी राय आपके इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश की है। ओहो। आपको दिखाना चाहूँगी उनका क्या कहना रहा, आइए देखते हैं। रितेश रजनीश हमारे बेटे हैं और इनके ऊपर हमें गर्व है। गर्व इस बात का है कि जो हमारी 400 साल की परंपरा है उसको ये लोग निभाने के लिए आगे आए हैं। इस बात का हमें बड़ी खुशी है कि आज के युग में युवा पीढ़ी जो है दूसरे दूसरे लाइनों में जाना चाहती है, लेकिन ये परंपरागत रूप से ख्याल शैली को लेकर चल रहे हैं, इसका हमें बहुत ही प्रसन्नता है और गर्व भी है, और हमारा आशीर्वाद इनके साथ है। रितेश रजनीश हमारे बेटे ही हैं, भतीजे हैं, और हमें भी बहुत गर्व होता है जब कभी इनके प्रोग्राम के रिपोर्ट रिव्यूज़ हमें मिलते हैं फीडबैक में। रितेश की गाने में शुरू से रुचि थी, रजनीश की भी गाने में तबले में रुचि थी, इवन वो चटाई को लपेट के और एक लकड़ी लेके सारंगी भी बजाने का प्रयास करते थे, और हमारे पिताजी के पास ये लोग काफ़ी रहे तो इन लोगों को एक संस्कार भी मिला। हम चाहते हैं कि हमारी परंपरा को ये
पूरे विश्व में फैलाएं। और आप सभी से यही हम प्रार्थना करते हैं कि यही ईश्वर से कहें कि ये लोग ऐसी विनम्रता में रह के और काशी की परंपरा को आगे बढ़ाएं। क्या बात क्या कहना सब ब्लेसिंग्स काशी की परंपरा को आगे बढ़ाने की बात जी। घरानों पर आपकी क्या राय है, क्या संगीत को घरानों से बांध कर देखा जाना चाहिए? और अभी कुछ दिनों पहले बनारस के घराने को लेकर भी काफी लोगों ने कुछ कहा। जी जी, हम लोगों के भी कान में ये बात पड़ी। हाँ। बनारस एकमात्र घराना है जो गायन, वादन और नृत्य तीनों विधाओं में बराबर से पारंगत है, और तीनों विधाओं में हमारे बनारस से इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार निकले। गायन में कह लीजिए तो श्रीमती गिरजा देवी जी, हमारे पिताजी चाचा जी। वादन में कह लीजिए तो पंडित रविशंकर जी, उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब, पंडित किशन महाराज जी और पंडित गुदई महाराज जी, मतलब तमाम कितने सारे नाम हैं। बड़े नाम। और डांस में कह लीजिए तो सितारा देवी जी, गोपी किशन जी, और मतलब और सब अपने आप में एक लेजेंडरी फिगर हुए, और सब लोगों ने संगीत की इस फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया और युवाओं के लिए एक रास्ता खोला। तो ये बहुत बड़ा देन है, और उस हिसाब से बनारस को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को ये एहसास हो कि बनारस जो है वो अपने आप में बहुत ही फॉरगिविंग घराना है, जो बहुत सारी ऐसी बातों को बख्श देता है, कभी कुछ कहता नहीं है। और हमें ये तालीम हमारे बनारस घराने में रहकर हमारे गुरुओं ने दी कि बेटा और लोगों को भी सुनो और उनसे कुछ चीज़ लेकर आओ और अपने संगीत में आत्मसात करो, एम्बाइब करो अपने अंदर। और आज के समय में मैं तो ये घराना और घरानेवाद से अलग हटकर हम लोगों का ये सोच है कि वी बिलोंग टू हिंदुस्तान घराना। बहुत बढ़िया। एंड वी रिप्रेजेंट इंडिया। जैसे अभी आपके पिता को सुना हमने, उनकी बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों के साथ, ऐसे ही जो सुनने वाले हैं उनकी भी बहुत उम्मीदें होती हैं और जो आर्टिस्ट, जाने पहचाने आर्टिस्ट के बच्चे होते हैं, उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती हैं। तो उन एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए रितेश और रजनीश किस हद तक चले जाते? उसकी तैयारी ही अलग होती है। एक्चुअली आप सही कह रही हैं, बड़े बाप का बेटा होना बहुत अच्छा भी है और कई बारी बहुत हैवी हो जाता है हम लोगों के लिए, चैलेंजिंग है। और एक शागिर्द के लिए उतना चैलेंजिंग नहीं है जितना एक बेटे और शिष्य दोनों के हिसाब से अगर हम देखें तो। देखा जाए तो गीत संगीत एक आपका ऐसा शोभा है ना, जहाँ हर पल कुछ नया आप रचते हैं जी। कुछ एल्बम्स का जिक्र आप जरूर करें हमारे साथ आज, जैसे माइकल डेमन का जो आपका एक बहुत फेमस एल्बम रहा जिसमें आपने काम किया, वहाँ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? वो भी एक इत्तफाक था क्योंकि हम लोगों ने उसमें चारों ने गाया है, हमारे फादर अंकल और हम दोनों ने। तो उस एल्बम के पीछे वो एक्चुअली वो पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो हमारा एक प्रोग्राम था 2002 में, आई थिंक वो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था मैनचेस्टर में। तो उसके क्लोजिंग सेरेमनी में एक प्रोग्राम होना था माइकल नाइमन के साथ हम लोगों का, और उसमें यू श्रीनिवास भी थे। अच्छा अच्छा। तो हम सारे एक साथ स्टेज पर, हमारा एक परफॉर्मेंस था, और वो परफॉर्मेंस इतना ज़बरदस्त हुआ, अपने आप में इतना बेजोड़ था कि ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग भी थे जो रिकॉर्डिंग कंपनी के लोग थे, वार्नर क्लासिक इंटरनेशनल के, तो वो लोग बैक स्टेज आकर उन्होंने अपनी एक इच्छा दिखाई कि भाई हम चाहते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आप एक एल्बम में रिकॉर्ड करिए। तो उसके बाद फिर हम दोबारा लंदन गए और वहाँ एबे रोड स्टूडियो में हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड किया। अच्छा। और फिर संगम नाम से ये एल्बम रिलीज़ हुई, और हमें याद है कि उस वक़्त इसका जो ओपनिंग था वो रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में था, और जो उस वक़्त जो फ्रंट सीट का जो वो था, उसकी टिकट्स जो थी वो 1000 pounds की ब्लैक में हुई थी, ऐसा हमने सुना था। और मतलब हाउसफुल से भी ऊपर, मतलब लोग फ्लोर पे भी बैठे थे, और बहुत अच्छी तरीके से रिसीव हुआ। और क्योंकि आजकल एल्बम्स का ज़माना उस दौर से इतना रहा है कि कुछ चीज़ें मार्केट में आती हैं, कुछ दिन रहती हैं, फिर दूसरा आता है। बिल्कुल। तो उसके बाद ही हम लोगों ने एक, ये भी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पंडित रविशंकर जी का आशीर्वाद मिला है हमें, और उनके आदेश पर
हमने अनुष्का के एक एल्बम राइज एल्बम में हमने थर्ड ट्रैक महादेवा गाया। अच्छा। और इस एल्बम को ग्रैमी नॉमिनेशन भी मिला। तो वो भी ट्रैक अपने आप में बहुत बेजोड़ है और उसका रिपोर्ट ये है कि आज के डेट में जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस में कोई भी फंक्शन में कोरियोग्राफी होती है तो उसमें मोस्टली महादेवा एल्बम को यूज़ किया जाता है। कुल संपदा एल्बम जो है वो बनारस की खालिस गायकी से आपको रूबरू करा जाता है जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा। एक ऐसा एल्बम जिसमें हमारे दोनों ग्रैंडफादर्स पंडित गोपाल मिश्रा जी, पंडित हनुमान प्रसाद जी और हमारे गुरु, हमारे पिता पंडित राजन साजन मिश्रा जी और हम, ये ऐसा सौभाग्य हुआ कि उस एल्बम ने हम लोगों के करियर की जिसको कहते हैं काया पलट दी। कुछ और बड़े कलाकार हैं जिन्होंने आपको दुआ दी है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए। रितेश मिश्रा, रजनीश मिश्रा हमारे काशी के गौरव, पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र के पुत्र हैं और बनारस घराने को इन लोगों ने आगे बढ़ाया है, बढ़ा रहे हैं बच्चे लोग। और मैं तो जानती हूँ कि क्योंकि मैं खुद ही बनारस की हूँ और ये बच्चे लोग छठा जनरेशन इनका संगीत में के बढ़ावा देने में, बच्चों को तैयार करने में लगा हुआ है। ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, तराना, सादरा, ठुमरी और हमारे लोग भी सभी कुछ वहाँ पर गाए जाते हैं और हमारे ये बच्चे सब कुछ सीखे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रभु से ही कृपा है कि ये लोग बहुत आगे बढ़े। नमस्कार, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ रितेश रजनी। जितने ही सुंदर इंसान, उतनी ही अच्छी भाषा, उतनी अच्छा गायन, उतनी ही अच्छा घराना। इनके पिताजी को सुनते हैं, उनके पिताजी को सुना, अच्छा लगता है कि हर चीज पहचान में। और क्या बात, दोनों बच्चे बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा स्वभाव है। मुझे इनका गाना बहुत अच्छा लगता है और इनके बारे में मुझे कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये क्या होता है, सिर्फ क्लासिकल में जाता है, हर रंग में दिखाई दे। ये मेरी इच्छा और भगवान करे इनको लंबी आयु दे और खूब नाम करे इनका, इतना नाम करे कि हम भी सुन के रहो। व्हाट अ सरप्राइज, सरप्राइज है ना? अच्छा लगता है क्या जब इतनी बड़े लोगों की दुआएं मिल जाए। बहुत हम खुश नसीब हैं कि सबने सबका प्यार और सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। चलते चलते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में कुछ तजुर्बे हमें ऐसे ज़रूर होते हैं, कुछ लेसन्स हमें ऐसे मिलते हैं जो हमारे लिए यादगार रहते हैं। तो ऐसे कुछ लेसन्स, कुछ तजुर्बे जो आपको ज़िंदगी जीने का सलीका सिखा गए। फिर वही बात बोलूँगा मैं तो कि जब हमारी शिक्षा चल रही थी तो दादाजी ने एक बहुत ही सटीक बात बोली जो कि जीवन में वो याद रखने वाली है कि इंसान का जो परख है वो उसके उठने, बैठने और चलने से होना चाहिए। तो एक वो संपूर्ण कलाकार होगा जब उसका उठना, बैठना, चलने में सलीका हो। चलते चलते अब आप दोनों अपनी पसंद का एक गीत भी मुझे बता दें। एक भजन है जो हमारे पिताजी का बहुत फेवरेट है और वो गुरु शिष्य के ऊपर ही आधारित है। हे गोपाल गोविंद मुरारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहार, शख्सियत में आज आप तशरीफ लाए आप दोनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम सब की तरफ से नई ख्वाहिशात कि आगे आपको बहुत कामयाबी और बहुत खुशियां मिले। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, ऐसे ही खूबसूरत सितारों का सिलसिला जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।